हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई अब भी इंग्लिश फॉर बिगिनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 73, जहां पर नरेशन को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में देखा था कि कैन को कुड, को कुड में, मे को माइट में, और माइट लिख के आया तो उसको माइट ही रहने देते थे। हैज़ टू, हैव टू को हमने हैड टू में, और हैड टू को हैड टू में बदला था। आज फ्रेंड्स बात करते हैं क्या यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ ऐसे सेंटेंस आए जो कि हमारा पहला देखिएगा क्या हो, सार्वभौमिक सत्य हो। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ, एक ऐसा सत्य जो कहीं पर भी या किसी भी जगह पर कभी भी नहीं बदलता। जैसे अगर मैं आपसे कहता पृथ्वी गोल होती है, या फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, या फिर मैं आपसे कहता कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये ऐसे सत्य होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं। और ऐसा सत्य आने पर हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता, हमें उसको चुपचाप कॉपी कर देना होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपसे कहा होता कि सी सैड टू मी, और उसके बाद उसने क्या कह दिया, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद उसने कह दिया द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या कहा उसने, उसने कहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में निकलता है। और ये बात तो हमारी क्या होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाएगी, क्योंकि ये कभी भी बदली नहीं जाती। हम रहे चाहे जहाँ, सूर्य जो है वो कहाँ, पूर्व में ही निकलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा। सेट टू को किस में बदल देना होगा, हमें टोल्ड में बदलना होगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट उसको भी कॉपी कर लीजिए। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, दैट लिखना होगा। इसके ठीक बाद देखिएगा, इस पूरे सेंटेंस को हमें यहाँ पर चुपचाप कॉपी कर देना है, क्योंकि इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। और ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, तो इसको आपको चुपचाप यहाँ पर कॉपी कर देना है। और क्या लिखेंगे हम लोग, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बस ये थी हमारी डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी किसे बदल गई है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसी तरीके से एक कंडीशन और होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात कही गई हो जो सारी मानव प्रजाति के लिए सत्य हो, तो एक एग्जांपल मैं और देने जा रहा हूँ, जहाँ पर बात की जाएगी एक ऐसी बात की जो सारी मानव प्रजाति के लिए सत्य हो। तो इसको थोड़ा सा माइंड कीजिए। यहाँ पर एक बात तो मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, यानी रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस फिर से आएगा, लेकिन वो जो सेंटेंस है वो पूरी मानव प्रजाति के लिए सत्य होगा, उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो एक सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, देखिए क्या ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा होता सी सैड टू मी, और उसके बाद उसने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से, उसने कहा वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो क्या कहा उसने कि हम हवा के बिना नहीं जी सकते, और ये बात तो पूरी मानव प्रजाति के लिए सत्य होगी ना। ऐसी भी कंडीशन में हमें रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता। तो अभी सेंटेंस कैसे बनता, सी टोल्ड मी दैट, और उसके बाद दैट के बाद इस पूरे सेंटेंस को हमें चुपचाप यहाँ पर कॉपी कर लेना है। यहाँ पर हमें कैन को कुड में नहीं बदलना, क्योंकि ये जो बात है ये पूरी मानव प्रजाति के लिए सत्य हो चुकी है। तो बस इसको चुपचाप कॉपी कर लेते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, जहाँ पर हमें ये देखना है कि तीसरी कंडीशन जो थी वो क्या थी। तो माइंड कीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी मुहावरे का प्रयोग किया गया हो,
यानी अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ना कोई मुहावरा आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इसको भी एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। सी सैड टू मी, और उसके बाद उसने एक प्रोवर्ब यूज़ कर ली। प्रोवर्ब का मतलब कहावत या मुहावरे से होगा, ध्यान दीजिए। तो उसके बाद उसने कहा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो इसकी जो हिंदी होगी ना वो क्या होगी कि समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करती। तो ये हमारी क्या कहलागी, प्रोवर्ब यानी मुहावरा कहला गया। अब इस कंडीशन में भी हमें क्या करना होगा, हमें इसके टेंस में या इसके किसी भी प्रकार के किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना। हमें क्या बोलना होगा कि सी टोल्ड मी दैट, और उसके बाद इस पूरी प्रोवर्ब को हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है और क्या बोल देना है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो आप देख सकते हो कि इन तीन कंडीशन यानी कौन सी, पहली कंडीशन सार्वभौमिक सत्य हो, या फिर सारी मानव प्रजाति के लिए सत्य हो, या फिर किसी मुहावरे का प्रयोग किया गया हो। तो रिपोर्टेड स्पीच में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाए, आपको उसके सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।